हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी टाइमिंग हो रहा है शाम के 5:50, 6 बजने वाले हैं। तो गाइज, मैं आप लोग से बता दूं, बहुत सारे हमारे दर्शक कमेंट करते हैं कि दीपू भाई शाम के टाइम में क्यों गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गाइज, मैं आप लोग से बता दूं, गुड मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं कि जो मेरा ब्लॉग अभी शूट हो रहा और आप लोग को मॉर्निंग में देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गाइज, राजा भैया इधर, राजा भैया गुड मॉर्निंग बोलिए, ब्लॉग सुबह में जाएगा कल 8 बजे। गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, कैसे है सब लोग, ठीक है कि नहीं? और अभी मैं भूख लगा बड़ा जोर से, बहुत जोर से लगा हुआ है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं, चैनल पे प्रॉब्लम था तो सबका भूख कहाँ गया था, भूख गया किसी को, मतलब 3 दिन से नहीं खाए थे ये बंदा, 3 दिन से नहीं खाए थे। मैं तो पानी नहीं पिए थे यार, ढंग से पानी नहीं पिए थे। तभी फाइनली अभी भाई का ब्लॉग आ गया, राजा भैया का ब्लॉग आ गया चैनल पे। और आप लोग जानते हैं कि अगर किसी यूट्यूबर के चैनल पे ब्लॉग ही देख रहे थे, अभी देखो देख सकते हैं भाई का आ गया है। आप लोग को बता दें, किसी भी यूट्यूबर के अगर चैनल पे 3 स्ट्राइक लग जाएगा तो समझिए वो अपने आप को नहीं संभाल पाता। तो राजा भैया हमारे लोअर फैमिली से, हम लोग तीनों लोग, मतलब कोई इतना नहीं कि कोई अमीर घर से नहीं, हम लोग देख सकते हैं गाइस कितने गरीब घर थे। गांव का कुछ लोकेशन ऐसा दिख रहा है, पुराना वाला घर देख लिया, पुराना वाला घर नहीं, वो सब कुछ है, खाना बनता, उसमें सोते हैं, सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ है यहाँ पे। देखिए काफी हम लोग मस्तियाँ कर रहे हैं और अच्छा लगता है, एंजॉय विद माय फ्रेंड, फ्रेंड या भाई, ठीक है। देखिए इतना समझिए कि हमारे बड़े भैया आज जो है यमराज के मुंह से हमको खींच कर लाए, हर वक्त कहते थे कि राजा तुमको हम कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारे लिए हमको बहुत सारी बातें होती है, बट आज सच में जो भैया मतलब इतना हम लोग कहते हैं गाइस, मैं क्या बताऊं, हम दोनों भाई में बात होता है तो 2-2 घंटे का रिकॉर्ड टूट जाता है। कोई अपने गर्लफ्रेंड से उतना बात नहीं करता होगा, बस दीपक भैया का गर्लफ्रेंड है, हमको पता है। तुम इंजॉय होता, बुरा मत मानिएगा आप लोग, थोड़ा सा हम लोग मस्तियाँ कर लेते हैं, जोर से लग गया भूख, ठीक है। मम्मी को बोलिए कोई बढ़िया सा जो है खाना, अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने जाएंगे क्योंकि मार्केट वगैरह चौराहे से कुछ खाए पिएंगे। महाराज क्या हल्दी खिला रहा है क्या, महाराज भूख लगा हुआ है ना। देखिए भाई, ये खुशी है, देखो जो हंसी है ना, अभी खुशी का हंसी है। और हैकर बहुत डेंजर स्ट्राइक दिया था, 3 स्ट्राइक दिया था, आप लोग समझ ही सकते हैं रात भर में कितना बड़ा हैकर आ जाए यार, कुछ नहीं होने वाला, देख रहा है ना, फिर बात है सब है। अरे भैया ऐसा मत बोलिए, मेरे बड़े भैया हमारा लोग तो हमेशा हमको भैया भैया बोलते हैं, बट मैं इनको हमेशा हम भैया बोलते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति में हमारे माँ बाप ये सिखाए हैं, कितने से छोटे रहे या बड़े रहे सबको सम्मान दीजिए, इस छोटे लोग के या बड़े लोग को सबको सम्मान देते हैं। मैं आप डेली फैमिली ब्लॉग अपना बनाते रहूंगा, मम्मी जी के साथ बनाऊंगा, हमारे साथ क्या चीज होता है रियल ही दिखाता हूँ, राजा भैया हम लोग रियल दिखाते हैं, इसलिए गाइस हम लोग जो होता है हम लोग के साथ वही दिखाते रहते हैं। मेरे चैनल पे 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसका रीजन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। हम तो चलिए ठीक है, हम हताश थे, पर आपकी हताश थे, आपको तो खाना चाहिए। गाइस आप बताइए, अगर आपके घर में आपके फैमिली में किसी का अगर प्रॉब्लम कोई हो जाता, आपके भाई के साथ कुछ हो जाता है, तो भाई भाई मानते हैं ना, मतलब कहने के लिए नहीं भाई मानते हैं, चेहरा देख लीजिए, चेहरे से आप लोग पहचान, कहीं ना कहीं हम लोग का चेहरा मिलता होगा। बट अभी का ये हाल है कि अभी का ये हाल है कि मेरा बाल जो अभी बिखर गया, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत किए थे, ऐसे ऐसे करते हैं, जब मुझे गुस्सा लगता था ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जेल ला देंगे भैया का बाल को, सही करेंगे आराम से। तो गाइस चलिए हम लोग जा रहे हैं अभी चौराहे वगैरह, अभी जबरदस्त वाली भूख लग गई है, पतलू बोला था आप लोग, बताए थे पतलू बोला यार, मोटे हो जाए, हो मोटाने वाला तो बता दो यार, खाकर मोटा हो जाऊंगा। पावर भाई गुड हेल्थ, गुड हेल्थ खा लीजिए, मोटा जाएंगे। मैं आप लोग बताऊँ, आप लोग, मैं भाभी का घर पे थे तो आप लोग को देखने के लिए मिलता है, आप भी मेरा ब्लॉग देखोगे, सुबह में हल्दी के दूध से स्टार्ट करते थे, आप चाय से स्टार्ट करते हो तो हम हल्दी के दूध से स्टार्ट करते हैं। यार इतना खूबसूरत भाई, इसी गाँव से हम लोग रहने वाले हैं, गरीब है, मैं गरीब हूँ, तू गरीब ही हूँ, मैं उठा हूँ सिर्फ और सिर्फ भैया के बदौलत से, सही मायने में जो गाइड किए हैं, एक पापा है जन्म देने वाले, बट जो सक्सेस की राह पे ले जाए आपको, मेहनत करवाए, वो आपके लिए भगवान से भी बड़ा होता है। दीपू भैया के लिए अगर कुछ हो जाए, मैं अगर कुछ दे करके मुझे चुकाना हो तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। नहीं ऐसा बात नहीं, हम लोग भाई भाई हैं, ऐसा बात नहीं है, बस इनका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे हर वक्त मेरे लिए। और हम लोग बात भी करते हैं तो 1-2 घंटा नहीं, कम से कम 4-5 घंटे, 6 घंटे, कभी कभी 24 घंटे निकल जाता है, फोन बैठ जाता है कभी कभी। और गाइस देखिए, यही है मेरा छत है, बस इतना छोटा है, देख लीजिए आप लोगों को मैं टूर करा दे रहा हूँ छत का, देखिए इसमें मतलब सामान वान पहले मम्मी वगैरह रखते थे, मतलब चावल वगैरह इस पे पसारा जाता था, तो बारिश वरिश आता था ना, तो सीधे इसमें लोग गिरा देते थे ताकि अंदर पानी रूम में ना जाए। हो गया आज पतलू भैया कब तोड़ दिए हैं, कब लगा रहे थे, अभी जैसे वीडियो अभी अपलोड हुआ तो डांस करने लगे, तोड़ कर बोल रहे हैं, दीपू भैया को शिकायत कर रहे हैं कि हम बच जाएंगे, बहुत सारा कप आ जाएगा भाई, कोई बात नहीं है। तो गाइस अभी चेहरा वगैरह धुल लिए, साबुन से धुले हैं, 2 दिन बाद हम भी साबुन से धुले, एकदम क्रीम पाउडर लगा के एकदम साफ हो रहा है। अब मम्मी का रिएक्शन देखिए, यहाँ पे मम्मी देख रही है बेचारी, मुंह में निकाले क्या भैया, एकदम निरहुआ बनने की तैयारी चल रहा है क्या, किसके कंघे कर रहे थे भाई, बाल वाले एकदम जेल वेल लगा के तैयार हो गए, अभी चलते हैं सच में का
नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अभी चल रहे हैं थोड़ा चौक चौराहा पे बढ़िया से एकदम नाश्ता वास्ता करेंगे। देखिए दोस्तों दोनों भैया क्या किए हैं, उन्होंने गमछा पूछ लिया, हमको टी शर्ट पकड़ा दिए हैं, अब सबसे पहले दोनों तैयार, देखिए ये भी तैयार होंगे बात करेंगे। तो गाइस देखिए अभी रोजाना की तरह इस दुकान पे हम लोग आ गए, अभी दो ही दिन हुआ, हम बोले रोजाना की तरह आ गए, इसी टाइम पे हम लोग कल भी आए थे, इस जगह था कि जो हैकर का मैं क्या किया था। शिवनाथ भाई हेलो बोलो। शिवनाथ भाई है जो कि मेरा गांव का मित्र है, मेरा पैक करा रहा है, पैक कराएगा अभी हम लोग लेकर जाएंगे अपने खेतों की तरफ, खाएंगे और पानी वगैरह पियेंगे फिर आएंगे, और राजा भैया को थोड़ा सा टूर भी करा दो। अब पतलू भैया किधर है, आप पतले हैं इसलिए पतले की तरह गायब निकल लेते हैं, दीपक ब्लॉग की जगह पतलू ब्लॉग रख देगा, इनको नाश्ता की जगह खाना खिलाया जाए। मेरे गांव का चौराहा आप लोग देख सकते हैं, देखिए इतना नॉर्मल होते भी यहाँ बस चलता है, छोटा चौराहा नहीं तो आपको पता भी है, एक दिन में एक बार बस चलता है यहाँ, मतलब शिवनाथ अभी तुमको चार दिन हो गया, दो तीन दिन हो गया, यहाँ हमेशा बस जाता है, हमेशा बस जाता है यहाँ से, मतलब दिन में कितना बस जाता है, एक ही बस जाता है ना। तो गाइस समझ सकते हैं हम लोग का गांव थोड़ा जंगल साइड में जाता, कहाँ भी गोरखपुर जाता है। अच्छा यहाँ से गोरखपुर, हाँ यहाँ से गोरखपुर, सीधे यहाँ से गोरखपुर जाएगा। देखिए फिर कंफ्यूज हो गए भैया, इसलिए हम इनको बोलते हैं तो महाराजगंज जिला भैया, और आपको निकलना रहेगा तो यहीं से निकालेंगे, अब चिंता मत कीजिए, सीधे निकलने नहीं, क्यों ऐसे कर, नहीं निकलने का ऐसा बात नहीं है, अभी भैया को अभी जाने नहीं देंगे। ये बहुत देखेगा इतने दिन के बाद हमारे पास आए हैं और फिर बोल रहे हैं कि हम जाएंगे क्या अभी यार, अच्छा लगता है, खुशी मिला यार, तो खुशी में खुशी बट पाई है यार, रो 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 रो, लेकिन वैसे नहीं कर रहा ऐसे नहीं ना, लेकिन दीपक भैया रो के भी दिखा रहे गाइस, इसके लिए 1 लाख, देखिए थोड़ा सा तो करके दिखाएंगे, मेरे सामने एक खड़े हैं भैया, रोइएगा गॉड, देखिए भैया भाई इनको जो है पहले खिलाया पिलाया जाएगा, क्योंकि इनका आवाज नहीं निकल रहा, आवाज की बात कर रहे हैं, कस के बोलेंगे कहीं रास्ता में घीर घुरा गए तो फिर ढूंढते फिरेंगे हम लोग। भाई अभी चौराहे पे घूमने आए थे तो हमारे फूफा जी, देखिए फूफा जी हेलो बोलिए, हेलो कहिए, हेलो, ये अंडा बेच रहे हैं तो सावन में हम अंडा नहीं खाते हैं, लेकिन इनसे इनका आशीर्वाद लेना जरूरी था। नमस्ते फूफा जी, आशीर्वाद ले लिए हैं, एक बार सोचे आप लोग को कैमरे के सामने ले लेते हैं, तब बोलिए हेलो हेलो, देखिए गाँव के लोग हमारे कितना टैलेंट है, और फूफा भी मेरे लगते है। भाई अभी शाम के टाइम ही गए 8:50 मम्मी जी अभी देखिए पकौड़ी बनाई है, क्या बनाई है पकौड़ी देख सकते हैं, क्या मम्मी पकौड़ी है ना, क्या है पकौड़ी बनाई मम्मी, देखिए पकौड़ी राधा भैया खा रहे हैं, क्या राधा भैया खा कर दिखाइए, बताइए खा कर दिखाइए, नहीं बताइए मीठा मीठा बना, बहुत स्वादिष्ट है, क्या मम्मी बताना, गुलगुला देख सकते हैं भाई, मम्मी जी गुलगुला बना रही है, देखिए आदि है, गड़ी है, दूध है, चीनी है, भैया कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आप, मम्मी का हाथों का बना हुआ खाना एकदम समझिए अमृत भी फेल है, एकदम इतना मीठा बना है, इतना स्वादिष्ट है, आप लोग भैया ये खाने के लिए, अभी हम और दीपू भैया और दीपक भैया खा रहे हैं, दीपू भैया घबराइए मत, खा रहे हैं आप खा लीजिए, ये नहीं खिलाएंगे आपको, सही वाला खिलाएंगे जो कि मम्मी जी भी बना रही है, और आप लोग मेरा किचन देख लीजिए, मेरा ही छोटा सा किचन है गाइस, देख सकते हैं राजा भी अभी खाना खा चुके हैं, और अभी घर में थोड़ा सा क्वालिटी नहीं आ रहा है क्योंकि कल से इसका सेटिंग कर दिया जाएगा, ये जो लाइट दिख रहा है ये लाइट को जैसे तो है सारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा, और कल इसको पूरा मतलब लाइट इसका सही कर देंगे ताकि नाइट में भी हम वो लोग ब्लॉग बना सकते हैं, उधर मम्मी बैठी है और उधर मेरी बहन रागिनी बैठी है, राजा भैया की बहन का नाम है रागिनी और हमारी भी दीदी का नाम है रागिनी, देखिए हम यहाँ पे हैं दूसरे घर पे और रागिनी दीदी वहाँ पे बैठे हुए, देखिए एक रागिनी घर पे भी है हमारा ख्याल रखती है, और दीदी यहाँ भी है ख्याल रखने के लिए, भैया इधर बैठे हैं खत्म भी कर दिया आपने, बस हम जा रहे हैं खाने के लिए, थोड़ा बहुत खा लेते हैं क्योंकि आप लोग इतना प्यार दिए हैं, इतना प्यार दिला दे रहे हैं कि खुशी ही मिल रहा, तो मम्मी हमको भी खाना खिला दीजिए आप, बाबू खाना लाओ, चलिए खाना खाते हैं, देखिए मम्मी के प्यारी सी मम्मी के हाथ से बना एकदम टेस्टी खाना, खाने भी मजा आता है, आप लोग जानते ही हैं कि माँ के हाथ से खाना मतलब कितना अच्छा लगता है, किसी तरह का भी खाना रहेगा बट बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली गाइस जब खाना निकल के आ गया, आप दाल बना हुआ है, चावल है और चटनी है, और यहाँ पे देखिए भिंडी का सब्जी है, तो फाइनली गाइस अभी मेरा खाना निकल गया, आप लोग को दिखाई दिए हैं, और इधर देखिए राजा भैया बैठे हैं, दीपक भैया बैठे हैं, हम लोग एक साथ खाकर टंच हो गए हैं, और मैं कुछ काम कर रहे थे, मेरा लेट हो गया तो अभी मैं चल रहा हूँ खाने खाने, और खाना खाकर, और गाइस मैं आप बता रहे हैं आप लोग ये ब्लॉग ज्यादा बड़ा होगा, गाइस आई होप भैया को सपोर्ट कीजिए,
और एक बात है, मम्मी का बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, खाना नहीं खाते सही टाइम पे, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। ठीक है, आप लोग दुआ कीजिए ताकि इनका माइंड चेंज हो और खाना खाए, भूख जल्दी से लगे। ठीक है, अभी खाना खाइए और भैया को जो है बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत ही हम्बल पर्सन है और बड़े भैया हैं। और जो भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है भैया को। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच राजा भैया। तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड हम लोग कर देते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।